Bismillahirrahmanirrahim. Day 6 and Hadith number 6. An Salamah radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu al-Bukhari. Narrated Salamah radiyallahu anhu, I heard the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying, whoever ascribed to me what I have not said, then surely let him occupy his seat in hell. Explanation: there is a punishment for those who mention the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not say. So we should not forward such messages on WhatsApp and any social media platform, especially about hadith that we found offensive. अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, अगर हम इसको जाने उर्दू ज़ुबान में, तो इसका तर्जमा ये होता है कि हज़रत सलामा रदी अल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि जो शख्स मेरे नाम के साथ किसी ऐसी चीज़ को मंसूब करता है जो मैंने नहीं कही हो, तो फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यह हदीस हम तमाम को वईद बता रही है उन लोगों के लिए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उन चीज़ों को मंसूब करते हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। तो हमें चाहिए कि खुसूसन हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं, जिसमें लिखा तो जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन जो बात उसके हवाले में लिखी जाती है वो बिल्कुल फेक होती है। तो हमें ऐसे मैसेजेस से अवेयर रहना है और तहकीक कर कर ही उसको आगे शेयर करना है अगर हमें वो मशकूक लगती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी और इस वीडियो से हमें ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कर देना, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा देना ताकि आप तमाम हज़रात इस प्यारे सिलसिले में हमारे साथ जुड़ सके। अस्सलामु अलैकुम।